नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। भाई एससीपीसी वालों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग लाइक नहीं कर पाते हो। जो भी छोटा मोटा अपडेट आता है, इम्पोर्टेंट अपडेट आता है, भले ही उसके वजह से तेजी हो या मंदी हो वो अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ जो है सारा का सारा वीडियो जो है अपडेट देता हूँ बना के कि कोई न्यूज आई है। अब देखिए, आज ही एक न्यूज आई है, इसी वजह से आज इसमें 5% के आसपास की तेजी भी देखने के लिए मिली है। आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे दिख भी रहा होगा, 5% की तेजी इसमें देखने के लिए मिली है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा ट्रेड हुआ है, तो आज मार्केट भी रिकवर किया। ऐसा नहीं कि इसी वजह से केवल तेजी आई है, मार्केट में भी 0.5% निफ्टी में भी तेजी है और बाकी के इंडेक्स में भी 1%, 1.25%, 1.5%, इस तरह से बड़ी बड़ी तेजी देखने के लिए मिल रही है। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, ये सब जो छोटे मोटे वाले इंडेक्स हैं वो सब ज़्यादा आज तेजी दिखा रहे हैं और कल ज़्यादा गिरे भी थे, तो हक भी बनता था। तो प्लीज करके लाइक किया करिए। मतलब कुल मिलाकर कहने का, अगर मैं आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट देता हूँ, चाहे जो भी लेटेस्ट खबर देता हूँ, तो लाइक कर दिया करिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए, 10% इसका सर्किल लिमिट था और अब इसका सर्किल लिमिट बढ़ के 20% हो गया। जब भी सर्किल लिमिट घटता है, जैसे कि 20% सर्किल लिमिट है और घट के 10% हो गया, घट के 5% हो गया, घट के 2% हो गया, तो उसको निगेटिव मानते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर उल्टा होता है कि 2% से बढ़ के 5%, 5% से बढ़ के 10% और 10% से बढ़ के 20%, अगर इस तरह से जो है सर्किल लिमिट बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। देखिए, तेजी होगा, यहीं कहीं लिखित नहीं है कि नहीं, कहीं लिखा है कि नहीं 5% से 10% सर्किल लिमिट होगा, 10% से 20% सर्किल लिमिट होगा तो उसमें तेजी आएगी, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन नॉर्मल उसको पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिएगा। तो इसमें जो है यहाँ पे सर्किल लिमिट इसका चेंज हुआ है, 10% से बढ़ के 20% हो गया। आज अगर इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 5% की तेजी दिखाई रहा हूँ आप लोगों को। आज इसमें 1.6 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू देखेंगे तो 45 करोड़ रुपए हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। 41% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे प्राइस बैंड देखने के लिए मिलेगा। अगर अपर सर्किट की बात करेंगे तो अपर सर्किट 31 रुपये 2 पैसे पे है और लोअर सर्किट की बात करेंगे तो 20 रुपये 68 पैसे पे इसका आज का जो है अपर सर्किट लोअर सर्किट है। तो देख लीजिएगा आप लोग, कोई न्यूज नहीं आई है लेटेस्ट। लास्ट अपडेट इसमें जो है वही 28 सितंबर 2024 को आया था और उसके बाद का कोई यहाँ पे अपडेट नहीं निकल के सामने, और वही वो एजीएम वाला अपडेट था, ठीक है। देखिए, चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो चार्ट पे कंडीशन देखिए तो दिक्कत वाली ही बनी हुई है। 27 रुपये के मैं आप लोगों को एक जो है सपोर्ट बताया था और उसी के बोला था कि इसको ऊपर ऊपर है तो हर डिप पे आप खरीदारी करके नीचे की साइड में 22 रुपये का आप लोग चाहो तो स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो एक बार यहाँ पे आप लोग जो है 27 रुपये के नीचे का भी स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, जो कल वाली कैंडल के हिसाब से आज सेलिंग का व्यू था, मतलब सेल कर सकते थे जो 27 रुपये वाला फॉलो किए हैं। अगर यहाँ से एक और रिकवरी आ जाती है, क्योंकि वही बात होता है जब कोई सपोर्ट ब्रेक होता है और उसकी अगली वाली कैंडल अगर रिकवर करके उस रेंज के फिर से जो है बाहर चली जाती है, तो फिर वही बात होता है कि फिर से जो है कंफर्मेशन तो गिरावट का नहीं रहता है, लेकिन तेजी हो जाता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो मैं ये तीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, इन तीन, ये एक रेंज है, ठीक है ना। इस रेंज के ऊपर ऊपर रहेगा तो तेजी की संभावना ज्यादा ही रहेगी, लेकिन इस रेंज के अंदर आके कंसोलिडेट करेगा तो फिर संभावना कम रहेगी तेजी की और हो सकता है कि गिरावट भी आए। तो वही चीज़ रेंज में आया था, लेकिन रेंज के फिर से जो है वही ऊपरी छोर को जाके रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से अगर फिर से एक रेड कैंडल बन के गिरावट करता है तो फिर इसी रेंज में रहेगा और फिर 2-3 महीने तक ये जो है रेंज में रुक सकता है। बाकी अगर यहाँ से एक रेड कैंडल, ये ग्रीन रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी है, अब फिर एक ग्रीन कैंडल बन के 28 रुपये इस तरह से क्लोजिंग देता है, तो फिर से समझ लेना कि फिर से इसमें तेजी का भी हो जाएगा और फिर ये कभी भी जो है 30 रुपये और 32 रुपये का ब्रेकआउट देके 41-42 रुपये के टारगेट के लिए ये जा सकता है। तो देख लीजिएगा व्यू। हालांकि देखिए, ओवरऑल अगर व्यू देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें मेरा व्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन वहीं स्विंग ट्रेडिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा सा निगेटिव। मैं बोला था आप लोगों को कि 30 रुपये के नीचे जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 27 रुपये का आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर आप वहीं स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1-2 हफ्ते के लिए खरीदारी किए हैं तो एक बार के लिए इसमें सेल करके निकलिएगा, बाकी बाद में इसमें हम लोग खरीदारी कर लेंगे 30 रुपये या उसके ऊपर अगर बिकाऊ देता है तो, नहीं तो फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिक्कत हो जाएगा। अब आज तो खुशखबरी, मतलब आज तो लगेगा कि नहीं हाँ तेजी आ रही, कल अगर फिर गिर गया तो फिर उसी रेंज में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।